नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और अब देखिए कि यहाँ पर आजम खान को सजा सुनाए जाने के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई, जहां सपा के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले आजम खान को कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा मुकर्रर कर दी है। उसके बाद से ही भाजपा के तमाम नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वही अखिलेश यादव जो है आजम खान को सजा सुनाने के बाद से ही चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे थे इस मुद्दे पर। लेकिन तमाम जो सवाल और अटकलें यहां पर शुरू हो चुके थे, उस पर अखिलेश यादव ने कल पूर्ण विराम लगाते हुए यहां पर आजम खान के समर्थन में बयान दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान एक अच्छे नेतृत्व के, समाजवाद के एक बड़े और धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। उनकी इस कट्टरता से कहीं ना कहीं भाजपा को डर है। भाजपा उन्हें विकास नहीं करने देना चाहती है। उन्हें डर है कि ऐसा नेता अगर रहेगा तो उनके तमाम चीजों में बाधा बनने का काम करता रहेगा। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फंसाने का काम कहीं ना कहीं आजम खान को किया। अखिलेश यादव ने खुले तौर पर आजम खान का समर्थन किया। और अब यहाँ पर देखिए कि अनुप्रिया पटेल का भी बयान यहाँ पर सामने आ गया। अनुप्रिया पटेल ने यहाँ पर अखिलेश यादव को घेरा है, अखिलेश यादव को घेरते नजर आई हैं। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश यादव को घेरते हुए यहाँ पर बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव आजम खान का समर्थन करते हुए आए हैं, ये मात्र तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। जिस समय सजा सुनाई गई थी उस समय ही अखिलेश यादव को यहाँ पर बोलना चाहिए था, लेकिन जब अखिलेश यादव ने देखा कि अब सवाल खड़े होने लगे, तब उन्होंने तुष्टिकरण करने के लिए यहाँ पर आजम खान के पक्ष में बयान दिया। अगर इतना ही आजम खान से हमदर्दी है तो जा करके धरना दे, कोर्ट के फैसले को गलत ठहराए क्यों नहीं ठहराते, जा करके धरना दे। तो यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आजम खान के खिलाफ जो सजा सुनाई गई है वो सही है, बिल्कुल एकदम आजम खान ने जैसा किया जैसा बोया वैसा ही यहाँ पर आजम खान ने पाया है। और इसी चीज को लेकर के यहाँ पर देखिए कि एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, अभी ये कहावत आजम खान की गिरफ्तारी के बाद काफी ज्यादा चर्चे में आ गई है कि जैसी करनी वैसी बन। तो यहाँ पर आजम खान ने जिस तरीके का बयान पूर्व में दिया है उसको लेकर के अब चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही है। जिस तरीके से मजिस्ट्रेट से जूते साफ करवाने की बात, उसके बाद ये सब बयान देना कि कलेक्टर फलेक्टर ये सब तनखैया है इससे नहीं डरते, तो ये सारे बयान को लेकर के अब भाजपा और तमाम भाजपा से एनडीए गठबंधन के नेता जो है यहाँ पर हमलावर हो गए और कहा है कि जैसा किया आजम खान ने वैसा ही पाए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल।